हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल गैजेट्स मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने अभी अभी एक नया क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड बनवाया है, या फिर आपका जो पुराना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है वो एक्सपायर हो गया था और आपके पास में नया कार्ड आया है, और इस नए कार्ड से आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या किसी भी नए ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म से कोई भी शॉपिंग करने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको इस कार्ड के ऊपर कुछ चीज़ों को इनेबल करना होगा। यहाँ पर दोस्तों, बैंक सेफ्टी के लिए इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन या ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन जैसे ऑप्शंस को बंद करके रखती है, तो यहाँ पर आपको इनको इनेबल करना होगा, तभी दोस्तों आप यहाँ पर इस कार्ड से ऑनलाइन पेमेंट कर पाएंगे। अब यहाँ पर कैसे करना है पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और फ्लिपकार्ट या अमेजोन से दोस्तों आप आईफोन्स वगैरह परचेस करना चाहते हैं, तो आपके नए कार्ड को आपको पहले यहाँ पर ऐड करके रखना होगा। कैसे ऐड करना है वो पूरा प्रोसेस मैंने पिछले वीडियो में बताया था, उस वीडियो को मैं यहाँ पर एंड स्क्रीन पर लगा दूंगा, तो यहाँ से क्लिक करके इस वीडियो के खत्म होने के बाद में आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करके अच्छा डिस्काउंट लेना चाहते हैं और आपके पास में अभी तक कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने बहुत सारे पॉपुलर्स बैंक के क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए लिंक दिए हुए हैं, वहां से क्लिक करके आप क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहने वाला है, सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा, घर बैठे ही आपको कहीं चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, तो वहां से आप अपने क्रेडिट कार्ड को जरूर अप्लाई कर लीजिएगा। और बहुत सारे लोगों ने जब अप्लाई किया था आज से 5-7 दिन पहले, उनको रिसीव भी हो चुके हैं कार्ड। तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर कार्ड को कैसे ऐड करना है वो तरीका मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, तो यहां से आप देख सकते हैं। लेकिन जो कार्ड आपके पास में आया है, अगर आप ऐड करने जाएंगे तो आपका जो पेमेंट है वो फेल्ड हो जाएगा। क्यों होगा? इसका रीजन ये है कि यहां पर जब भी आपके पास में कोई नया कार्ड आता है, देखते इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, एक डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन जो भी होते हैं, और इसके अलावा यहां पर जो ई कॉमर्स वाला ट्रांजेक्शन है, ये बैंक बंद करके रखता है ताकि कार्ड की सेफ्टी बनी रहे। केवल उस कार्ड को आप ATM पर यूज कर सकते हैं कैश निकालने के लिए। तो इन तीनों ही टाइप के ट्रांजेक्शन को आप दो तरह से एक्टिवेट कर सकते हैं। पहला तरीका तो है ऑनलाइन, जो कि मैं आपको बताने वाला हूं, दूसरा तरीका ये तरीका देखने के बाद में बताऊंगा। तो पहले अपन चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। तो यहाँ पर दोस्तों मैं योनो SBI का यूज करूंगा, क्योंकि यहाँ पर मेरा जो इंटरनेट बैंकिंग है वो SBI पर चलता है। आपके पास में ICICI, एक्सिस या किसी भी बैंक का इंटरनेट बैंकिंग अगर आपके पास में है, तो सेम प्रोसेस रहने वाला है, आपको यहाँ पर सेम ही प्रोसेस उसके अंदर फॉलो करना है। ऑप्शन थोड़े से अलग अलग हो सकते हैं। अब मैं यहाँ पर पहले MPIN डाल करके योनो को लॉगिन कर लेता हूँ। तो ये यहाँ पर मैं योनो के अंदर लॉगिन हो चुका हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अकाउंट्स पर क्लिक करना है, और यहाँ पर डेबिट कार्ड वाले सेक्शन पर आप आएंगे तो आप देखेंगे मेरा जो ये डेबिट कार्ड है 2315 नंबर, ये ऑलरेडी यहाँ पर एडेड है। अब यहाँ पर आपको नीचे ही नीचे चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ब्लॉक कार्ड, मैनेज यूजेस एंड लिमिट्स। इसके अलावा नीचे लिखा हुआ है सेट एंड रीसेट ATM पिन। अगर नए कार्ड का ATM पिन आप बनाना चाहते हैं तो वो भी यहां से बना सकते हैं, और एक्टिवेट कार्ड अगर आपको करना है तो वो भी आप यहां से कर सकते हैं। ये तो ऑप्शन है डेबिट कार्ड के लिए। अगर आपको क्रेडिट कार्ड ऐड करना है तो यहां पर आप आएंगे, यहां पर ऊपर ही आपको कार्ड्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहां से भी आप इस चीज को कर सकते हैं। यहां पर आप देखेंगे आपको क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है दूसरे नंबर पर, और प्रीपेड कार्ड अगर आपके पास में है तो उसको भी आप यहां से ऐड कर सकते हैं। और यहां पर क्लिक करेंगे तो आप सेम जगह ही पहुंच जाएंगे जिस जगह आप पहले थे। अब यहां पर हम मैनेज यूजेज एंड लिमिट्स पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे डोमेस्टिक यूजेज जो है इस कार्ड का वो ऑन है। अभी मैंने ये सारे ऑप्शन ऑन कर दी थी, आप जब नया लॉगिन करेंगे तो उसमें कुछ ऑप्शन आपको बंद मिलेंगे। ये इंटरनेशनल यूजेज दूसरे नंबर पर ऑप्शन बंद है, मैंने इसको बंद कर रखा है, और इसको अगर आप ऑन करने की कोशिश करेंगे तो आपके जो अकाउंट में पहले ही पैन कार्ड अपडेटेड होना चाहिए, EKYC होना चाहिए, तभी ये ऑन होगा। जैसे मैं इसको ऑन करने की कोशिश करता हूँ तो ये देखेंगे कि प्लीज अपडेट योर पैन कार्ड, यहाँ पर बता रहा है मैंने पैन कार्ड इसके अंदर ऐड नहीं कर रखा है। इसके अलावा यहाँ पर नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर ATM ट्रांजेक्शन है, ये हमेशा ऑन मिलेगा, तभी आप ATM पर इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ATM पर यूज़ नहीं करना चाहते तो इसे बंद कर सकते हैं। नीचे आप देखेंगे चौथा ऑप्शन है POS मर्चेंट ट्रांजेक्शन। जब भी आप किसी शॉप पर जाते हैं और वहाँ पर जो POS मशीन लगी होती है जिसमें स्वाइप अप करके पेमेंट करते हैं, तो उस पर पेमेंट करने के लिए इस ऑप्शन को ऑन रखना है। अगर आप इसे बंद करना चाहें तो बंद कर सकते हैं। और नीचे लिखा हुआ है ई कॉमर्स ट्रांजेक्शंस, ये जब काम आता है जब आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर अपने कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हैं, या इसके अलावा मिंत्रा, आजियो वगैरह कहीं पर भी ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, तो ये डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन है, यहाँ पर ऑन रहना चाहिए। तो इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, यहाँ पर ऑन करेंगे, और नीचे लिखा हुआ है कॉन्टेक्टलेस NFC ट्रांजेक्शन। इसको मैं रिकमेंड करता हूँ कि हमेशा इसको आप बंद ही रखिएगा, ये बहुत खतरनाक चीज़ है NFC वाली। कहीं पर भी आप कार्ड टैप करेंगे और ये सारी डिटेल फेच कर लेगा और ट्रांजेक्शन उससे हो सकते हैं, तो NFC वाले को आप बंद रखिएगा। इसके अलावा थोड़ा सा नीचे आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आपके कार्ड में अगर ट्रांजेक्शन लिमिट थोड़ी सी आपने कम कर रखी है, यहाँ पर कुछ कार्ड में ट्रांजेक्शन लिमिट कम होती है, जैसे आप आईफोन परचेस कर रहे हैं तो कम से कम आपको 50-55 हज़ार रुपये का पेमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे POS मर्चेंट एंड ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन के लिए मैंने यहाँ पर 75 हज़ार की लिमिट कर रखी है। मेरे इसमें जो मैक्सिमम लिमिट है वो भी 75,000 की है, तो मैंने इसको फुल कर रखा है। अगर मैं चाहूँ तो इसको कम कर सकता हूँ, जितने की मैं लिमिट रखूँगा उतना ही यहाँ पर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो पाएगा। इसके अलावा ATM लिमिट भी अगर आपको पर डे चेंज करना है तो वो चेंज कर सकते हैं, 40,000 यहाँ पे है, मैं इसको 40,000 ही रहने देता हूँ। अब जो जो आपको ऑन करना है, यहाँ पर आपको ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन को ऑन कर लेना, और जैसे ही आप नीचे सेव चेंजेस पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पर आपको डालना होगा। तो मैं OTP पहले चेक कर लेता हूँ,
और सबमिट करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का एक मैसेज आ जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर चेंजेस इज सेव्ड करके मैसेज आ जाएगा, मतलब कि जो आपके ट्रांजेक्शन है वो ऑन हो चुके हैं। अब दोस्तों आप ऑनलाइन कहीं भी पेमेंट करेंगे तो आपका जो पेमेंट है वो इजीली हो जाएगा। तो उम्मीद है पूरा प्रोसेस आपको समझ आ गया होगा। अब ऑनलाइन अमेजोन फ्लिपकार्ट पर कार्ड कैसे ऐड करना है वो वीडियो आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं। और क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास में नहीं, आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इजीली आप अप्लाई कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे लिंक्स दिए हुए हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।